राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश में चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम के साथ साथ सुलगते सवाल भी सत्ता और विपक्ष को जला रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले होने वाले विधानसभा चुनावों के जरिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी ताकत की पुरजोर नुमाइश करने की तैयारी कर रही है और दोनों दलों के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान करो या मरो का मैदान बन चुका है। एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी पांचवीं पारी का दावा कर रही है तो कांग्रेस वापसी का दावा, वहीं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बीजेपी को सत्ता बदल की भरपूर उम्मीद भी है। तीनों राज्यों में अपनी पकड़ को धार देने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी को उतार दिया है और इन राज्यों में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है और ऐसे में देखना होगा कि अब इस सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है। देखिए इस खास रिपोर्ट। मैंने शिलान्यास किया है, एक डेढ़ साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। छत्तीसगढ़ में फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों में शुरू चुनावी घमासान। मध्य प्रदेश में फिर जीत की तैयारी, छत्तीसगढ़ राजस्थान में होगी वापसी। चुनावी महासमर का नया पैंतरा, तीन राज्यों में बीजेपी को किससे खतरा? ।2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सामने तीन विधानसभा चुनाव की चुनौती खड़ी। ये तीन राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी सत्ता में है तो दो राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि एमपी में शिवराज फैक्टर बीजेपी के पक्ष में काम कर सकता है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब राजस्थान में बीजेपी हर चुनाव में सत्ता बदलने के चलन के साथ और छत्तीसगढ़ तेलंगाना में सत्ता विरोधी लहर के उसके पक्ष में होने की उम्मीद लगाए बैठी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहने वाले हैं। इन प्रदेशों में भले ही भाजपा का संगठन और भाजपा का कैडर काफ़ी मजबूत है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदरूनी कलह ने हमेशा पार्टी को परेशान किया है। मध्य प्रदेश में जहाँ बीजेपी की सरकार है तो कर्नाटक की तरह कांग्रेस वहाँ काफ़ी आक्रामक रहने वाली है। इधर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं उसमें भी जनता को लुभाने के लिए अनेक राहत योजनाएं शुरू की है जिसका जनता में अच्छा असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन 2003 से लगातार सत्ता पर काबिज होने के चलते एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी चुनौती जरूर है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की मामा वाली छवि और जनकल्याण की योजनाओं ने जमीन पर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की यकीनन कोशिश की है। ऐसे में बीजेपी ने भी हिंदुत्व के साथ साथ जनकल्याण की योजनाओं और बूथ लेवल मैनेजमेंट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इस समय एमपी में लाडली बहना स्कीम पूरी तरह से सक्रिय और बीजेपी इसे प्रदेश में गेम चेंजर की तरह देख रही है। इस योजना के तहत 23 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना के दूसरी किस्त में तो 1.25 करोड़ रुपए दे दिए गए, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस और कमलनाथ से मिली चुनौती को पार्टी भूली नहीं और यही वजह है कि 2023 चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद पीएम मोदी मैदान में उतर चुके हैं और पार्टी सीट ही नहीं बल्कि बूथ लेवल पर अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही। चंद दिनों पहले ही भोपाल के बीजेपी कार्यालय में रहते हुए पीएम मोदी विधानसभा में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से जाकर मिलते थे। प्रदेश में बूथ लेवल से जीत की तैयारी में जुटी बीजेपी ने हर बूथ मजबूत अभियान के पहले चरण में बूथ समितियां गठित की।
समितियां बनने के बाद प्रदेश के तमाम समितियों का डिजिटलाइजेशन हुआ। दूसरे चरण में अर्ध पन्ना प्रमुख और सभी पन्ना समितियों के गठन के बाद बूथ विजय संकल्प अभियान शुरू किया गया। बूथ लेवल पर प्रदेश के सभी 1078 वर्ग मंडल में त्रिदेव प्रशिक्षण का आयोजन किया। इसमें बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए, इन तीनों को त्रिदेव का दर्जा देकर प्रशिक्षित किया गया। पन्ना समिति से प्रदेश अध्यक्ष तक हर कार्यकर्ता डिजिटलाइज है और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और कार्यक्रम का ब्यौरा ऐप के जरिए डिजिटली रिपोर्ट होता है। मन की बात कार्यक्रम का आयोजन के मामले में मध्य प्रदेश आगे रहता है, जिससे हर बूथ पर सुना जाता है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के 64,100 बूथों में से 90% बूथ समितियां डिजिटलाइज हो चुकी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह खुद एमपी में एक्टिव हो गए। पिछले एक महीने में शाह 3 बार एमपी का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ प्रदेश के नेताओं को दिल्ली तलब कर उनके साथ मीटिंग भी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के चाणक्य के माने जाने वाले अमित शाह के सीधे सीधे एक्टिव होने से सवाल भी उठे कि आखिर एमपी में बीजेपी को टेंशन क्या है। दरअसल एमपी बीजेपी में पुराने और बड़े नेताओं की नाराजगी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उपचुनाव और निकाय चुनाव में इनकी नाराजगी का खामियाजा पार्टी भुगत चुकी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कुछ नेताओं की नाराजगी की वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। एमपी में बीजेपी को जिताओ उम्मीदवारों की खोज है और ऐसे में कुछ पुराने विधायकों के टिकट कटने की संभावना है। टिकट कटने के बाद ये विधायक बागी रुख अख्तियार कर सकते हैं। ऐसे में पार्टी ऐसी परिस्थितियों से भी निपटने की तैयारी कर रही। एमपी में शिवराज सिंह चौहान की सरकार 18 सालों से है, ऐसे में पार्टी पर एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है। ऐसे में पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कमल का फूल ही चेहरा है, बड़े नेता भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम नहीं ले रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा का सेमीफाइनल है। मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को मजबूती देगा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 2019 का नतीजा देखें तो बीजेपी को 28 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट। बीजेपी को 58.53% वोट मिले थे। मध्य प्रदेश में देखिए, एक फ्रेश फेस जो होना चाहिए पार्टी के पास, वो अभी एक सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो शिवराज जी के समकालीन जो चेहरे थे, जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं थके हुए चेहरे दिखाई देते हैं, तो जो वोटर है उसके पास अट्रैक्शन नहीं है। मध्य प्रदेश में कोई भी अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन होता है, जब कैंडिडेट आते हैं तभी अनुमान लगा सकते हैं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 21 नाम की सूची में 5 महिला उम्मीदवार शामिल है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ विजय बघेल पर फिर से भरोसा जताया है, तो दूसरी ओर राज्यसभा सांसद रहे रामविचार नेताम को उनके परंपरागत सीट बलरामपुर से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इन नामों के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर एक असमंजस की स्थिति देख रही है। लिहाजा पार्टी जल्द से जल्द प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना चाहती है, ताकि आने वाले वक्त में कोई गुस्सा फूटे तो उस पर काबू पाया जा सके। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से सीधी चुनौती है। मोदी और शाह ब्रिगेड बघेल सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा तो कर रही है, लेकिन यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियाँ कम नहीं। जानकारों का मानना है कि नगरीय निकाय और पंचायतों में कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे। बीजेपी जान चुकी है कि राज्य में कांग्रेस को अगर शिकस्त देनी है तो भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाना होगा। बीजेपी की रणनीति पर गौर करें तो एक बात साफ हो जाती है कि एक तरफ जहां प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष में पार्टी ने बदलाव किया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेतृत्व की सक्रियता भी बढ़ी है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ABCD कैटेगरी की सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में बी और सी कैटेगरी की 22 सीटों और डी कैटेगरी की 5 सीटों पर चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी की सीटों पर बीजेपी मजबूत है, यानी यहां से जीत मिलती रही है। बी कैटेगरी के तहत जहां इक्का दुक्का बार ही बीजेपी हारी हो, सी कैटेगरी का मतलब जहां से लगातार 2 बार से बीजेपी हार रही हो, और डी कैटेगरी की वो सीटें जहां बीजेपी ने कभी जीत ही हासिल ना की हो।
दरअसल बीजेपी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 150 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से सियासी नुकसान हुआ था। बीजेपी नहीं चाहती थी कि पार्टी इस गलती को दोहराए। यही वजह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए होने वाले विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी गई है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पैतरे ने सीएम बघेल को बोलने पर मजबूर कर दिया। पौने 5 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ गई है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य किसी के हाथों में सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ को कोई आगे ले जा सकता है, छत्तीसगढ़ के तरक्की और खुशहाली कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए पार्टी को भरपूर जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित रूप से नवम्बर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। बीजेपी सब जगह भय से लालच से तोड़ना चाहती है लेकिन जनता जान चुकी है उसकी असलियत। मुझे पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, कोई खास नहीं है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर रही है लेकिन यहां पर भी पार्टी नेतृत्व के सामने काफी बड़ा चैलेंज है। राजस्थान के बीजेपी नेताओं के बीच में इस बात को लेकर सुबुगाहट तेज है कि आखिरकार चुनाव कैंपेन का नेतृत्व पार्टी किसे सौंपता है। राजस्थान के कई बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, वहां पर डेरा जमाए हुए हैं और खबर आ रही है कि बीजेपी लीडरशिप इस मामले से जुड़े तमाम नफा नुकसान का आकलन करने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लेगा। राजस्थान में बीजेपी के टॉप लेवल नेताओं की एंट्री ने माहौल को गर्म कर दिया। खुद पीएम मोदी राजस्थान में रैलियां कर रहे हैं तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद राजस्थान चुनाव की बागडोर संभाल रखी। लेकिन इन सब तैयारियों के बाद भी राजस्थान में राज्य नेतृत्व को लेकर सवाल अब भी बरकरार है। तमाम दबावों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व की रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। पार्टी नेतृत्व वसुंधरा राजे के प्रभाव को देखते हुए उन्हें एक प्रमुख भूमिका देने पर विचार तो कर रहा है लेकिन अभी भी राजे को सीएम उम्मीदवार घोषित करने से झिझक रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान चुनाव में बीजेपी का सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली मजबूत कांग्रेस से है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अब तक कहा है कि पार्टी राज्य में सामूहिक नेतृत्व के साथ जाएगी और विधानसभा चुनाव की लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे बढ़ाया जाएगा। राज्य में भले ही नेतृत्व परिवर्तन और वसुंधरा राजे को हटाने जैसे सवालों पर पार्टी का स्टैंड साफ ना हो लेकिन यह भी सच है कि राजस्थान में अगली पीढ़ी का नेतृत्व तैयार करने के नाम पर आरएसएस के कई राज्य विरोधियों को सुर्खियों में लाया गया। वहीं जेपी नड्डा के दौरे ने वसुंधरा के भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान लगाया है। कुछ दिनों पहले जेपी नड्डा ने राजस्थान में दौरा किया। राजस्थान के दौरे पर आते ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई टीम का गठन कर दिया। बीजेपी आलाकमान ने वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर राजस्थान से बाहर करने के संकेत दिए। वसुंधरा राजे के धुर विरोधी इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखकर पार्टी ने वसुंधरा को सियासी मैसेज दिया है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे पहले भी नड्डा की टीम में उपाध्यक्ष थी लेकिन तब और अब के हालात में बहुत अंतर आ गया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी सरकार रिपीट कराने के लिए अपने पूरे संसाधन झोंक दिए हैं। जहां राजस्थान की बात है, सामने बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे का नाम प्रपोज नहीं करने का भी बड़ा लाभ कांग्रेस को मिलने वाला है। उधर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने चुनौतीपूर्ण कोई चेहरा भाजपा के सामने नज़र नहीं आता है। वहाँ भी रमन सिंह को एक तरफ साइडलाइन किया हुआ है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपनी सरकार रिपीट करने की संभावनाएं तो बनती है। हाल के दिनों में राजनीतिक चर्चाओं से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में नेतृत्व के मुद्दों पर गंभीरता से पुनर्विचार कर रही। राज्य के चुनावों को लोकसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देख रही भारतीय जनता पार्टी किसी भी एंगल से कोई कोताही नहीं बरतना चाहती लेकिन डगर अभी लंबी है और जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नजदीक आती जाएंगी वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के रणनीतियों में कई नए